हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो यार जानता हूँ कि आप लोग का सवाल यही है कि कल वीडियो क्यों नहीं आई। तो देखो यार, कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि कल मेरी यार तबीयत बहुत ही ज़्यादा अचानक से ख़राब हो गई थी, इसलिए चाहकर भी कल मैं वीडियो नहीं ला पाया। और आज की वीडियो में यार एक से बढ़कर एक एनिमी अपडेट्स हैं जिन्हें सुनने के बाद आपको यार मज़ा आ जाएगा। और कल जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टा पर यार मैसेज करके मेरा हालचाल पूछा और मुझे यार ब्लेसिंग दिया, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम 100 से भी ज़्यादा लोगों ने यार मैसेज करके मेरा हालचाल पूछा और मुझे ब्लेसिंग्स दिया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा यार भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे लोग प्यार करने वाले इतने ज़्यादा यार अच्छे सब्सक्राइबर्स मिले हैं। तो हमारा पहला अपडेट है नारुतो शिपुडेन से लेकर। तो क्या नारुतो शिपुडेन का हिंदी डब प्रोमो लीक हो गया है? जी हाँ दोस्तों, कल इसी से रिलेटेड मुझे इंस्टा पर लगभग यार 500 लोगों ने यार मैसेज करके बोला कि भाई नारुतो शिपुडेन का प्रोमो बाहर आ चुका है। मैं तो यार पूरा एक्साइटेड हो गया कि क्या नारुतो शिपुडेन का प्रोमो बाहर आ गया है। मैंने यार जैसे प्रोमो खोल के देखा तो जिराया वाला सीन था। नारुतो शिपुडेन के अंदर एक जिराया वाला सीन है, तो वही वाला सीन था जिसमें यार संकेत मात्रे सर की वॉइस थी। और मैं यार सोच में पड़ गया कि नारुतो शिपुडेन के अंदर जिराया का वॉइस चेंज क्यों कर दिया गया है। क्योंकि यार देखो, मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो यार जिराया में संकेत मात्रे की वॉइस बिल्कुल भी सूट नहीं करती है। क्योंकि देखो यार, मैं भी संकेत मात्रे का बहुत बड़ा फैन हूँ, कोई भी ऑफेंड मत होना, जो मैं फैक्ट बात है वो बता रहा हूँ। संकेत सर की वॉइस एक हीरोइक टाइप की वॉइस है जो कि सिर्फ जो हीरो वाला कैरेक्टर होता है ना उसी पे सूट करता है। और जो जिराया का कैरेक्टर है वो आप जानते हो कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और साथ ही में वो थोड़ा ठड़की टाइप का है, तो उसमें उनकी वॉइस यार सूट नहीं कर रही थी। संकेत मात्रे की वॉइस देखो किस में सूट कर सकती है, ओबिटो में सूट कर सकती है, पेन में सूट कर सकती है, तो जो यार हीरोइक कैरेक्टर्स है उसमें सूट कर सकती है, लेकिन जो हीरोइक कैरेक्टर्स नहीं है उसमें सूट नहीं कर सकती। और दमनदीप सिंह बगन की वॉइस यार जिराया में बहुत ही ज़्यादा सूट करती है और उसमें जो ठरकपन है वो भी उस वॉइस में झलकता है, तो मेरे हिसाब से संकेत सर की वॉइस जिराया में सूट नहीं करती है। और गाइस, जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया तब मुझे पता चला कि जो लोग भी मुझे मैसेज करके कह रहे थे कि नारुतो शिपुडेन का हिंदी प्रोमो बाहर आ चुका है जिसमें संकेत मात्रे की वॉइस से जिराया में, ये सिर्फ एक फैन डब क्लिप है जिसको संकेत मात्रे सर ने डब करके अपने इंस्टाग्राम पेज पर डाला है। आप चाहो तो उनके इंस्टा पर जाकर ये वीडियो को देख सकते हो। तो मैं तो यार थोड़ा मुझे राहत मिला, मुझे थोड़ा रिलैक्सन मिला कि चलो थैंक गॉड कि ये एक फैन डब क्लिप था। क्योंकि यार जिराया को ना दमनदीप सिंह बगन से अच्छा और कोई डब ही नहीं कर सकता। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरी बातों से यार सहमत होंगे। तो जिनको भी लगता है कि नारुतो शिपुडेन का प्रोमो बाहर आ चुका है, तो गाइज अभी तक प्रोमो बाहर नहीं आया है, ये सिर्फ एक फैन डब क्लिप था। हमारा अगला अपडेट है ड्रैगन बॉल जी काई से लेकर। तो गाइस, जो भी ड्रैगन बॉल जी काई के फैंस हैं उनको बताना चाहूंगा कि ड्रैगन बॉल जी काई अगले महीने खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 11 नवंबर के दिन शायद से इसके सारे एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक ड्रैगन बॉल जी काई के 140 एपिसोड्स दिखा दिए गए हैं और ड्रैगन बॉल जी काई में कुल मिलाकर 167 एपिसोड्स हैं। तो अब मात्र 27 ही एपिसोड्स बचे हुए हैं। और जिस तरह से डिविजिट काई के एपिसोड्स आते हैं हर वीक 4 न्यू एपिसोड, तो इस हिसाब से 7 वीक्स के अंदर ये सारे एपिसोड्स खत्म हो जाएंगे और 11 नवंबर को शायद इसका आखिरी एपिसोड आएगा, एपिसोड नंबर 167। तो अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो ड्रैगन बॉल जी फैंस ड्रैगन बॉल जी काई को यार इतना देखो, इतना टीआरपी दो कि यार हमें बहुत जल्द ड्रैगन बॉल जी टीवी देखने को मिले। हमारा नेक्स्ट अपडेट है वन पीस एनिमे से लेकर, इसके हिंदी डब से लेकर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अब क्रंचीरोल इंडिया ने वन पीस को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया है, और जब से यार क्रंचीरोल ने वन पीस को अपने प्लेटफॉर्म पर ऐड किया है तब से कुछ लोग हर दिन मेरे इंस्टा पर मैसेज करके पूछते रहते हैं कि क्या अब वन पीस का हिंदी डब एनिमे सोनी ये चैनल पर नहीं आएगा क्या? क्योंकि जो क्रंचीरोल इंडिया है वो तो यार एनिमे को हिंदी डब करके दिखाता है, और अब तो यार क्रंचीरोल के पास वन पीस के भी राइट्स आ गए हैं, तो क्या अब वन पीस क्रंचीरोल इंडिया पर आएगा हिंदी डब में, सोनी ये चैनल पर टीवी पे नहीं आएगा क्या? तो देखो गाइस, जिनको भी ये कंफ्यूजन हो रहा है कि वन पीस एनिमे अब टीवी पर नहीं आने वाला हिंदी डब के साथ,
अब वो क्रंची रोल पर आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। टीवी पर जो आने वाला है वन पीस का एनिमे वो नवंबर में टीवी पर ही आएगा और शायद से सोनी चैनल पर ही आएगा, सो डोंट वरी। हमारा अगला अपडेट है डिटेक्टिव कोनन से लेकर। तो आप में से कुछ लोग यार कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि डिटेक्टिव कोनन की जो मूवी हिंदी डब में आने वाली है मूवी वन ईटीवी बाल भारत पर, तो क्या सिर्फ वो हिंदी में आएगी या बाकी के जो लैंग्वेजेस हैं पंजाबी एसमीज और भी जो जो है वो सब में भी आएगी। तो गाइज आपको बताना चाहूँगा कि डिटेक्टिव कोनन की जो ये मूवी डब हो रही है तो ये हिंदी के साथ साथ 12 लैंग्वेजेज में भी आने वाली है जो कि ईटीवी बाल भारत प्रोवाइड करता है, सो डोंट वरी। हमारा नेक्स्ट अपडेट है अटैक ऑन टाइटन से लेकर। तो अटैक ऑन टाइटन का एक न्यू मांगा चैप्टर आने वाला है जिसमें 18 पेजेस होने वाला है जो कि रिलीज होने वाला है 30 अप्रैल 2024 को। और जो ये अटैक ऑन टाइटन का मांगा आने वाला है ये होगा वॉल्यूम 35। हमारा अगला अपडेट है फ्री रेन बियॉन्ड जर्नी एनिमे से लेकर। तो ये एनिमे अब स्ट्रीम हो रहा है क्रंची रोल पर और आपको बताना चाहूंगा कि इसका जो एपिसोड 1 है वो 2 घंटे से भी ज्यादा का है जिसको 4 एपिसोड्स में यार बांटा गया है। हमारा अगला अपडेट है द मिसफिट ऑफ डीमन किंग एकेडमी। ये एनिमे का सीजन 2 पार्ट 2 का न्यू की विजुअल बाहर आ चुका है और ये एनिमे शेड्यूल हुआ है 2024 में आने के लिए। हमारा अगला अपडेट है ब्लीच के एनिमे से लेकर 1000 Year Blood War Part 3 से लेकर। तो ये शेड्यूल हुआ है 2024 के लिए और इसका न्यू की विजुअल बाहर आ चुका है। और हमारा सबसे आखिरी अपडेट है नेटफ्लिक्स इंडिया के न्यू कार्टून शो से लेकर। तो नेटफ्लिक्स इंडिया पर अब ऐड हो चुका है बेन 10 की सीरीज 2007 वाली और इसके 3 सीजन्स अभी ऐड किए गए हैं। साथ ही में द पावर ऑफ गर्ल्स 1999 के भी 2 सीजन्स ऐड कर दिए गए हैं।